बैक टू नॉलेज सर्च हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। अच्छा प्रीलिम्स कैसा हुआ? खैर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं भी हुआ तब भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा नहीं हुआ है तो आगे हम सीख लेंगे। हमारी जो जर्नी है ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो जाएगी कल ख़त्म हो जाएगी, इसका कोई टाइम नहीं है कि जर्नी हमारी कब ख़त्म होगी। जर्नी हमने स्टार्ट कर दी है लेकिन तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि हम अपना गोल अचीव ना कर लें। कोई टाइम पीरियड इसका नहीं है कि भाई एक साल में ख़त्म हो जाएगी हमारी जर्नी या दो साल में ख़त्म हो जाएगी, नहीं जी ऐसा नहीं है। हमने जर्नी स्टार्ट कर ली बट हमारा जब तक गोल नहीं मिलेगा, हमारा गोल जब तक अचीव नहीं होगा, हमारी जर्नी चलती रहेगी। और इसी जर्नी को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज से। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम विजन आईएएस के जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो मैगजीन आती है, उसको तो कवर करेंगे ही, बट इस बार प्रीलिम्स देखने पर पता चला कि भाई करंट अफेयर्स तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एक मैगजीन से काम नहीं चल रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम विजन आईएएस के साथ साथ जो हमारी इनसाइट आईएएस है उसकी भी हम मैगजीन को कवर करेंगे, राइट? दो मैगजीन को हम कवर किया करेंगे अब। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं, आज हम विजन आईएएस जो हमारा मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है जिससे हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और विजन आईएएस ने अप्रैल की जो मैगजीन है उसको कर दिया है पब्लिश, ठीक है? बिल्कुल अभी अभी ये पब्लिश हुआ है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं भाई कि अप्रैल में क्या क्या हुआ है। अब आप बोलेंगे कि मैम चलो ये तो ठीक है कि हम पढ़ने वाले हैं विजन आईएएस के करंट अफेयर्स, अप्रैल की मैगजीन पढ़ने वाले हैं, बट आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे? तो आज जैसे हम हमेशा करते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस होता है, उसी को कवर करेंगे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। अगर आपको याद हो तो जो हमने पहले अपने जो करंट अफेयर्स कवर किए थे, अपनी पीटी 365 कवर की थी, उसमें भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। बट कुछ लोग अभी ऐसे होंगे जो कि जिन्होंने अपने जो ये नया सफ़र है वो अभी नया नया स्टार्ट किया है, जिनको लगा कि भाई मैं भी ये कर सकता हूँ, नया नया सपना जिन्होंने देखा, तो उनका तो ये नया नया सफ़र है। जो हमारे पुराने सारे एस्पिरेंट्स हैं तो उनको तो ये पता ही है, लेकिन फिर भी अब हमने फिर से नई शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछला हमारा प्रीलिम्स जैसा भी हुआ उसको भूल के अब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो फिर से पढ़ते हैं कि आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन क्या है। अच्छा जी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जो है क्यों चर्चा में आया, ये तो काफ़ी पहले से बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये डॉक्ट्रीन आ गई थी, अभी नया नया तो ये है नहीं, तो ये चर्चा में क्यों आ गया है आखिर? तो चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हमने जैसे बात की कि ये अभी नया नया नहीं है, काफ़ी पहले आया था। तो हाँ ये पहले आया था, और आज नहीं कल नहीं, पता कितने साल पहले आया था, 50 साल पहले। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है इसको आए हुए 50 साल हो गए हैं, तो कितनी अच्छी बात है, ये 50 साल इसके हो गए, यानी कि इसका जो 50th बर्थडे हम बोल सकते हैं ये हुआ है। इसीलिए क्या हुआ है कि इसको हम पढ़ रहे हैं। तो अब जानते हैं कि आखिर ये क्या है। केशवानंदा भारती केस 1973, ये वो केस है जिसने हमें क्या दिया था, जिसने हमें कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दी थी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे पॉइंट्स इसने नए नए ऐड किए थे, और जिसमें सबसे बड़ा जो गिफ्ट हमें इस केस से मिला दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। अच्छा ये जो केस है ना, ये इसमें हुआ क्या था, ये केस कैसे हो गया था? तो केस ये हुआ था कि जो केरला गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में एक पिटीशन डाली गई थी, जिसमें क्या हुआ था कि केरला गवर्नमेंट जो है अपनी लैंड एक्वायर कर रही थी, जैसे लोगों की लैंड होती है ना, तो उनकी लैंड को कंपलसरी एक्वायर कर रहे थे केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 के अंडर। तो लोगों ने पिटीशन डाल दी, लोगों ने कहा कि ये लैंड तो हमारी है ना, ज़मीन हमारी है, और हमारी ज़मीन पर सरकार आकर कब्जा कर रही, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, जो कि हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड 31 में, उनका वायलेशन हो रहा है। और ये कहकर उन्होंने क्या किया,
केरला के लोगों ने पिटीशन डाल दी। अब केस जो है इसको 13 जजेस की बेंच ने सुनवाई की इस केस की, ठीक है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी सबसे बड़ी बेंच बैठती है उसमें 13 जज बैठते हैं और सबसे बड़ी बेंच ने ही इस केस की सुनवाई की। अब इतने सारे जो महान हमारे जूरिस्ट हैं वो बैठेंगे तो क्या होगा, कोई बढ़िया चीज़ ही निकलेगी, बढ़िया आउटकम निकलेगा। तो यहाँ पर निकला क्या, सबसे पहली बात बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। इन्होंने कहा कि जो 24th अमेंडमेंट है ये बिल्कुल वैलिड है और पार्लियामेंट के पास में पावर है। क्या पावर है पार्लियामेंट के पास में, कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, ठीक है, सारे प्रोविजन को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन कुछ शर्त है। शर्त ये है कि पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड तो कर सकती है, पर ध्यान ये रखना है भाई कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इसेंस ना बिगड़ जाए, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए, वो वैसे की वैसे रहने चाहिए। उसको आप ना ही बदल सकते हैं, ना ही डैमेज कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिनके बेसिस पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, तो वो पिलर्स जो हैं आप वो नहीं हटा सकते। ये आपको ध्यान रखना, आप कुछ भी अमेंड कर दें लेकिन जो बेसिक हमारा इसेंस है, जो सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ये बात इन्होंने कही और यही चीज़ जो है इसी को हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन कहते हैं, जिसको आए हुए अब 50 साल हो गए हैं। अब जो गोलकनाथ केस है उसके जो जजमेंट था उसको भी इस केस में जो है बदल दिया गया, उसको भी करेक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 में पावर है और प्रोसीजर दे रखा है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, और जो अमेंडिंग पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स है पार्लियामेंट की, वो अलग अलग होती हैं, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। पार्लियामेंट जो है लॉ भी बनाएगी, वो उसकी पावर है, और लॉ अगर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड करना है तो वो उसकी अलग पावर है। आप ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर और जो लॉ मेकिंग पावर वो सेम है, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरे जजमेंट्स की बात करें तो इन्होंने जो 25th और 29th अमेंडमेंट है उसको भी इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो हैं वो इन्होंने रिव्यू करे गए, और इन्होंने ये भी कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको भी हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। प्रियम्बल अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। कितनी बार हुआ है अमेंड बताओ जरा, ओके ये आपको बताना है कितनी बार हमारा प्रियम्बल अमेंड हुआ, और अमेंड हुआ तो उसमें क्या अमेंड हमने किया था। अच्छा हम देखते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है ये कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, इसकी भाई हिस्ट्री से देखते हैं कितनी मेहनत की है हमने इस बेसिक स्ट्रक्चर को लाने के लिए। तो मेहनत बहुत लंबी है, पता कितनी लंबी, 1950 से ही ये मेहनत शुरू कर दी थी हमने करनी। 1950 में AK गोपालन केस हुआ, 1951 में शंकरी प्रसाद केस हुआ, और 1965 में सज्जन सिंह केस हुआ। इन तीनों केस में कहा गया कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। फिर 1965 में ही गोलकनाथ केस हुआ, इसमें कहा गया कि जो 368 आर्टिकल है उसमें अमेंडिंग पावर जो है वो दी गई है पार्लियामेंट के लिए, और फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते। ये गोलकनाथ केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकते हैं, बाकी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये पावर जो है पार्लियामेंट को दे दी गई है। फिर 1971 की बात करें अगर हम, तो 1967 की अगर हम बात करें, 1967 to 71 क्या हुआ है, 24th हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। 24th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया इसमें कहा गया कि करण जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं वो कोई लॉ नहीं है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 13 जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वो लॉ नहीं है, इसीलिए इसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, ये कहा गया 24th अमेंडमेंट जो हमारी हुई थी। 25th अमेंडमेंट में कहा गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको हम कम कर सकते हैं, अगर हम जो राइट टू प्रॉपर्टी है लोगों की उसको इन्होंने कह दिया कि ये फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, और राइट टू प्रॉपर्टी जो एक लीगल राइट बना दिया गया था, और क्या हुआ था, कंपनसेशन देना पड़ेगा किसी का अगर आप प्रॉपर्टी देते, तो ये बात कह दी। फिर DPSP जो है वो प्रेफर दिया जाएगा फंडामेंटल राइट के ऊपर, ये कहा गया जो हमारा 25th अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में, ठीक है। और जो 39B और 39C जो हमारे आर्टिकल है उसकी
जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी, ये बताया गया था 25th अमेंडमेंट में। उसके बाद हमारा जो है 1972 में केशवानंदा भारती केस आया, और ना जो केशवानंदा भारती केस है इसी ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी दी थी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको आप नहीं चेंज कर सकते, उनको आप अमेंड भी नहीं कर सकते, उनको ख़त्म भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, किसी भी तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आओ बट इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप बेसिक स्ट्रक्चर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कहीं पर? नहीं जी, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लेंगे बट बेसिक स्ट्रक्चर आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं मिलेगा। ये तो जो है ये इवॉल्व हुआ है केस की वजह से, ये निकल कर आएगी। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी होती है। अब आप बोलेंगे मैम हम तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक चैप्टर भी है, मतलब हमारे लक्ष्मीकांत में तो बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है। तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारा चैप्टर तो है लक्ष्मीकांत में, बट लक्ष्मीकांत क्या कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो वेयर एक्ट है वो अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन को समझाया गया है, हमारी पूरी पॉलिटी को समझाया गया था लक्ष्मीकांत में। तो लक्ष्मीकांत में मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो इस भूल में मत रहो। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझाया गया है उस बुक से। इवन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की चीज़ें भी हैं जो कि हमारे लक्ष्मीकांत में समझाई गई हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि पूरी पॉलिटी को समझाया गया है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कुछ फीचर्स, ये सब बातें तो कर रहे हैं, बट अगर कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, चलो जानते हैं। सबसे पहले सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। भाई सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया जो है ये तो बहुत ही बड़ा स्ट्रांग पिलर है जिस पर हमारी इंडिया टिकी हुई है। सॉवरेनिटी ही नहीं रहेगी तो इंडिया कैसे सॉवरेन रहेगी, इंडिया कंट्री कैसी रहेगी, पूरी पॉलिटी ही हिल जाएगी, है ना? तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इंडिविजुअल फ्रीडम्स जो हैं वो हम नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, जो एसेंशियल फीचर्स हैं इंडिविजुअल फ्रीडम्स के, फिर वेलफेयर स्टेट जो है ये नहीं हटा सकते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सपोज करो कोई कहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसको ही हम चेंज कर देते हैं, तो फिर इसको चेंज कर दिया तो क्या रहेगा? डेमोक्रेसी गायब हो जाएगी इंडिया से। तो इंडिया जैसी आज है वैसी नहीं रहेगी ना, डेमोक्रेसी के लिए तो इतनी लड़ाई करी, डेमोक्रेसी गायब हो जाए तो क्या फ़ायदा? तो मतलब इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड हारमोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, ये कुछ अभी क्या हैं हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं, जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अभी डॉक्ट्रिन आई जिसके 50 साल हो गए, हम काफ़ी खुशी मना रहे हैं और उस खुशी में हम ये पूरा करंट अफेयर पढ़ने बैठ गए कि भैया ये डॉक्ट्रिन जो आई थी इसके 50 साल पूरे हुए, तो कुछ इंपॉर्टेंस भी होगी ना, ऐसी थोड़ी ना खुशी मनाई जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंस इसकी होगी। हाँ, सिग्निफिकेंस है। सबसे पहली बात कि पार्लियामेंट जो है उसका जो मन आए वो वैसा कर दे ऐसा नहीं है, उसकी पावर पर एक चेक जो है ये रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट रहे। कॉन्स्टिट्यूशन आज जो बदलता जमाना है उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी बदले, ये जो है इंश्योर करती है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बेडरॉक बनकर रहेंगे, उनको ये प्रोवाइड करती है। फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो अंडरमाइंड ना हो जाए, फेडरलिज्म ना खत्म हो जाए इंडिया से, ये भी ध्यान रखती है। और इंडिया की जुडिशरी अप्रोच है कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के लिए, उसको लिए भी एक इंस्ट्रूमेंटल है। ठीक है, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। अभी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके रिगार्डिंग कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर का स्कोप क्या है, क्या चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी, क्या चीज़ नहीं आएगी, इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहती है। अब कोई जो लॉयर है वो कह रहा है कि नहीं ये चीज़ जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये जो है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा बोला नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हो। क्या चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या चीज़ आएगी क्या नहीं आएगी, ये बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है, क्योंकि कहीं पर भी साफ साफ नहीं लिखा कि ये सारी चीज़ें ही बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगी, इसके अलावा कोई चीज़ और नहीं आएगी, ऐसी कोई लिस्ट है नहीं। जुडिशियल एक्टिविज्म, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, वो कहती है कि कोर्ट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवैलिड कर सकते हैं अगर उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल जो हैं उन्होंने पास कर दिया है कोई अमेंडमेंट लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहा है, तो उसको ये जो है हमारे कोर्ट्स वो उसको क्या कर देंगे, इनवैलिडेट कर देंगे। ठीक है, फिर एक कन्फ्लिक्ट रहता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी से। पार्लियामेंट कह रहा है कि मैं अपने कोई अमेंडमेंट करना चाहता हूँ, कुछ लॉ बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें आप कह देते हो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करें, कई सारी चीज़ें हम अमेंड करना चाह रहे हैं लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आ रही हैं, तो उसको अमेंड नहीं कर पा रहे, इसी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आती हैं।
अच्छा जी, और बात कर लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जो है ये कहाँ कहाँ अप्लाई हुई है, तो आपको ये कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, आपको याद इतना ज़रूर करना है कि कौन कौन से केसेस हैं जो इस चीज़ से रिलेटेड हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण जो केस हुआ था, उसे पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को अप्लाई किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कौन से केस में अप्लाई किया गया है, इंदिरा गांधी वाला केस जो हुआ था। फिर मिनर्वा मिल्स केस जो है, इसमें क्या किया गया था कि हम कह सकते हैं कि इसमें बात आई सामने कि हाँ जी आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा हर चीज़ को अमेंड कर पाएंगे। बामन राव केस हुआ था, यहाँ पर जो है ये बताया गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या होता, मतलब ये है कि पहले जो भी आपके केसेस हुए हैं, ठीक है, और जब तक ये आपकी डॉक्ट्रिन नहीं थी उससे पहले जो केसेस हुए हैं तो उसमें आप ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो इस डॉक्ट्रिन के आने के बाद जो केसेस होंगे बस उन्हीं में ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी, ठीक है। कि हो तो होलोहन जो केस हुआ था, इसमें बताया गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, इसमें कहा था कि रूल ऑफ लॉ जो है वो भी बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, इसमें कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू, ये सब भी हमारे बेसिक फीचर्स ही हैं। वे अहेड क्या है, क्या हम कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को ही क्लैरिफाई कर दो, लोगों को पता तो रहे, समझ में आए भाई क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखो अप्लाई करने में, सारे केसेस में एक जैसा ही अप्लाई करो, ऐसा नहीं कि किसी में आप किसी अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं किसी में किसी अलग तरीके से। जुडिशियल एक्टिविज्म को लिमिट करने की ज़रूरत है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी और बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, समझ में आया बेसिक स्ट्रक्चर। चलो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया मतलब डेमोक्रेसी भी है और डिसेंट्रलाइजेशन भी है, कहाँ है, हमारी इंडिया में है। क्यों है चर्चा में, तो चर्चा में इसलिए है कि जो 2023 है, हमारी जो साल चल रही है, इसमें 30th एनिवर्सरी है। किस चीज़ की, पूरी हमारी अगर लक्ष्मीकांत, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें चैप्टर देखने को मिलता है वो कौन सा है, लोकल गवर्नमेंट, राइट, पंचायती राज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो जो हमारा 73rd and 74th अमेंडमेंट है जो डील करता है लोकल गवर्नमेंट से, वो जो हमारे अमेंडमेंट आए थे उनको आए हुए हमारे इस साल में 30 साल पूरे हो जाएंगे, तो 30th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, ठीक है। तो इसलिए 30 साल बड़े हो गए हमारे अमेंडमेंट, समझ में आ रहा है, तो इसीलिए क्या है, इसलिए हमारे चर्चा में रहा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ में मिलकर नेशनल पंचायती राज डे को सेलिब्रेट किया, कब किया है, 24th अप्रैल को, कहाँ पर किया गया है, रेवा में, कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में ये है। ये पहली स्टेट थी जिसने ये जो हमारे अमेंडमेंट आए थे उनको अप्लाई किया था, तो 73rd and 74th अमेंडमेंट जो आए थे तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो स्टेट थी ये कौन सी थी, मध्य प्रदेश थी। इसीलिए यहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मिलकर सेलिब्रेशन किया है। इस ओकेजन पर PM जो हमारे हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंटीग्रेटेड ई ग्राम स्वराज एंड जो GEM पोर्टल है इसको क्या किया है, लॉन्च कर दिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पंचायत से है ना, अब वो भी गवर्नमेंट की जो ई मार्केट प्लेस है वहाँ से सामान खरीद सकती हैं। अब इससे पहले हमें समझना चाहिए GEM पोर्टल क्या होता है। देखो होता क्या है कि अब जैसे हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, राइट, मंगाते हैं ना, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इन सब से हम क्या करते हैं, कभी हम शूज़ मंगाते हैं, कभी क्लोथ्स मंगाते हैं, कभी वॉचेस मंगाते हैं, कुछ भी मंगाते हैं, बहुत सारा सामान मंगाते हैं ना। ऐसे ही अब सपोज़ करो कोई सरकारी हमारे जो ऑफिसेस होते हैं, जैसे कोई बैंक है, सरकारी बैंक है, जैसे SBI है सपोज़ करो, ठीक है, या फिर कोई जैसे पोस्ट ऑफिस है, कोई सरकारी ऑफिस है, कोई रेलवे है हमारे, जैसे रेलवे कोई स्टेशन है, तो उनको क्या चाहिए, उनको भी सामान चाहिए, किसी को पेन चाहिए, किसी को बेंच चाहिए, किसी को कंप्यूटर चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, राइट, तो उनको भी कहीं ना कहीं सामान चाहिए होता है, वो सामान किससे मंगाएंगी। तो उनको सामान जो चाहिए ना, जो सरकारी हमारे ऑफिसेस हैं उनको अगर कोई सामान चाहिए तो इस पोर्टल से खरीदते हैं, उनका समझ लो, ये समझ लो उनका एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, वो यहाँ से सामान खरीदते हैं। और ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर सामान है वो खरीदेंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो, ठीक है, गवर्नमेंट के पर्पज़ के लिए, और यहाँ पर बेच हर कोई सकता है, कोई प्राइवेट पर्सन भी यहाँ पर सामान बेच सकता है, ये हमारी होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और अब इन्होंने क्या
क्या कह दिया है कि पंचायत जो होती है ना उनको भी तो सामान चाहिए, तो पंचायत भी अब यहाँ से सामान खरीद सकती हैं। पहली चीज़ समझ में आ गई। हाँ जी, पीएम ने क्या किया, जो स्वामित्व है, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो क्या कर दिया है, उसको हैंड ओवर कर दिया है किसके लिए, इन्हीं पंचायती राज के लिए, कि वो बेनिफिशरीज को सिलेक्ट करेंगे कि किस किस को स्वामित्व के अंडर बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चर्चा में है, जिनकी बात हम कर रहे हैं, तो इनके बारे में समझ लेते हैं भाई, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1992 में आया, तो ये जो है इससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। नया पार्ट 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, जिसमें आर्टिकल्स 243 से 243O तक कवर्ड हैं, और एक नया 11th शेड्यूल भी ऐड हुआ जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स हैं कि कौन कौन से फंक्शंस पंचायत को करने हैं। ठीक है, फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आया, जो बात करता है अर्बन लोकल बॉडीज़ की, जैसे कि हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनसिपल वार्ड्स हैं, राइट, हर किसी के नगर पालिका जैसे है, नगर पालिका, नगर परिषद है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड हुई। पार्ट 9A इसमें ऐड किया गया, और जिसमें आर्टिकल 243P to 243ZG तक कवर हैं। 12th शेड्यूल भी ऐड हुआ है, जिसमें 18 फंक्शंस जो म्यूनिसपैलिटीज़ को करने चाहिए वो इसमें मेंशन है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। तो भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि पावर, रिसोर्सेज और डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे, लोकल गवर्नमेंट्स को दे दे, जैसे पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ है, उनको ये पावर दे दी जाए, उनको रिसोर्सेज दिए जाए, उनको ये पावर दी जाए कि वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सपोज करो, आप जैसे डिसेंट्रलाइजेशन को समझो, जैसे कि हमें जाना है, हमारी फैमिली है, ठीक है भाई, समर वैकेशन चल रहा है, ऐसा करते हैं कि घूमने जा रहे हैं, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, अब हम जाना चाहते हैं, तो अब दो फैमिलीज हैं, एक हमारी फैमिली समझ लो, एक फैमिली ए है, एक फैमिली बी है। ए फैमिली में क्या है कि कहीं घूमने का प्लान है, तो सारे जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमें घूमने जाना है, फिर जो बच्चे हैं, जो जितने फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सब बैठे, उन्होंने बात करी कि भाई कहाँ कहाँ घूमने जाना है, हर किसी ने अपना अपना मन बताया कि ऐसा है मुझे शिमला जाना है, कोई कह रहा है मसूरी जाना है, कोई कह रहा है नहीं नहीं इतना नहीं, चलो गोवा चलते हैं, कोई कह रहा है नहीं नहीं ऐसा करते हैं, चलो आंध्रा चलते हैं, आंध्र प्रदेश घूमने घूम कर आते, थोड़ा साउथ में चलते, वो यानी केरला चलते हैं, जो साउथ में जाना बिल्कुल नीचे चलो। ठीक है, इस तरीके से बातें चल रही हैं, आप सब अपने अपने डेस्टिनेशंस बता रहे हैं, और उसके बाद में क्या होगा कि सारे लोग मिल बांट के डिसीजन ले लेंगे, भैया अब 7-8 लोग हैं, 7-8 लोग 7-8 जगह तो जा नहीं पाएंगे, टाइम कम है, तो ऐसा करते हैं कि एक जगह चूज कर लेते हैं, सारे लोग वहां चलेंगे। ये हो गया हमारा क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर सारे लोग पास में पावर थी, सबसे बातचीत की गई और फिर एक डिसीजन लिया गया। बी में क्या है, बी में होता है ये कि जो फैमिली है उन्होंने कहा कि घूमने चलना है, ठीक है घूमने चलना है, जो हेड ऑफ द फैमिली थे उन्होंने कहा ठीक है पैकिंग वैकिंग कर लो, कल हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे कर हरिद्वार जा रहे हैं, थोड़ी पूजा पाठ कर लो, पूरे साल तो पूजा पाठ करी नहीं, ठीक है, मतलब किसी से पूछा नहीं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं, सीधे जाना है हरिद्वार जाना है, या फिर कोई भी उन्होंने कोई भी डेस्टिनेशन दे दी वहाँ जाना है, किसी का कोई भी जो भी मन था वो अपना अपने व्यूज एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, ये होता है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, समझ में है? तो अब क्या बात की जा रही है कि हमारे यहाँ पर बात की जा रही है डिसेंट्रलाइजेशन की, मतलब कि हर किसी से बातचीत की जाए, उनको थोड़ी पावर दी जाए, राइट, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन हमने देखा था सारे लोगों की बात सुनी गई थी फिर कोई डिसीजन लिया गया था, ऐसा ही हम अपने इंडिया में करने की कोशिश कर रहे हैं और कर चुके हैं, 73rd and 74th से कर चुके हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी थोड़ी थोड़ी किसको दे दी है, लोकल गवर्नमेंट को दे दी है, इसी को हमने कहा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जो हमारे 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 के, 1993 में ये फोर्स में आए, और ये बहुत ही लैंडमार्क पीसीस हैं किस चीज़ के, लॉज के, क्योंकि इन्होंने इंडिया में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, अब ये भाई आ गए हैं तो कुछ काम वाम कर रहे हैं कि बस आकर बैठ गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर ऐड हो गया और बस हम रटे जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत सारे काम किए। क्या क्या काम किए हैं, अचीवमेंट्स इनके देखें तो वीमन जो है उसको एम्पावर कर दिया है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो हैं जो अभी तक कमज़ोर समझती थी खुद को वो एम्पावर हो गई हैं, क्योंकि इलेक्टेड वीमन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अभी तक बढ़ते जा रहे हैं इन जो लोकल कम्युनिटीज़, लोकल जो हमारे गवर्नमेंट है इसमें जो हमारे वीमन है उसकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ती हुई जा रही है, इसका मतलब वीमन एम्पावरमेंट हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि जो वीमन है उनके रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, SC ST का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन हो रहा है स्टेट्स के बीच में, तो ये कुछ अचीवमेंट्स भी हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन
हर चीज़ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। अरे हम तैयारी करें तो हमारी तैयारी में भी तो चैलेंजेस आते हैं, हर दिन कोई ना कोई चैलेंज आ जाता है, राइट। तो ऐसे ही जब हम अपनी छोटी सी तैयारी कर रहे हैं, मतलब छोटी नहीं है, बहुत बड़ी तैयारी है, बट हम अगर हम कर रहे हैं ना, उसमें भी चैलेंजेस हैं। अपने डे टू डे लाइफ में कोई भी एरिया में जाकर देख लो, हर जगह कोई ना कोई चैलेंज मिल ही जाता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं होगा। हर जगह चैलेंज है तो यहाँ भी चैलेंज है। क्या चैलेंज है? पावर और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसको भी बांटने की बात कर दी गई है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, कोई स्टेट तो बहुत अमीर है, कोई स्टेट जो है जहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रह रहे हैं, स्टेट्स के पास में खुद भी पैसा नहीं है, टैक्स भी नहीं आ रहा है, तो वो कैसे करें काम, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी आते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल विल नहीं है। अपनी पावर, अब सपोज करो आपके पास है बहुत सारी पावर, तो आप अपनी पावर किसी और को क्यों देना चाहेंगे, राइट? नहीं देना चाहेंगे। तो ये भी जो है विलिंगनेस कम देखने को मिलती है। पैरेलल बॉडीज क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास में जो है पंचायत के फंक्शन जो होते हैं वो दूसरी बॉडीज निभा रही हैं, तो ये भी एक हर्डल देखने को मिलता है। सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ती हुई नज़र आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन अभी भी हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी है नहीं, करप्शन बहुत सारा हो रहा है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा तो दे रही है लोकल गवर्नमेंट को कि आप काम करो, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में भी करप्शन हो गया है और इस वजह से काम होता हुआ दिख नहीं रहा, ठीक है। रिसोर्सेज का मिसयूज भी हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी अभी वीक है, लेकिन ये जो हमारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है ये काफ़ी हमारे लिए सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसमें मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, वीमन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, लोकल कम्युनिटीज़ इंपावर हो रही हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो रहा है, डेमोक्रेसी जो है वो चंदन हो रही है, पब्लिक सर्विस जो डिलीवरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट हो रही हैं। अब हमने देखा था कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस हैं तो क्या हम चैलेंजेस से हार थोड़े जाएंगे, चैलेंजेस को तो हमें हराना है, ना कि वो हमें हरा दें, हम उनको हरा देंगे, राइट। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम कुछ स्टेप्स लें, ऑब्वियसली लेंगे। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, ये एक स्टेप लिया गया है जिसमें हम कैपेसिटी जो है हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की उनको हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ई ग्राम स्वराज लेकर आए हैं, ये एक वेब पोर्टल है जहाँ पर जो भी ग्राम पंचायत हैं उनकी जो काम हो रहा है, उनकी प्लानिंग है, अकाउंटिंग है, वो सब की जाती है। पीपल्स प्लान कैंपेन, सबकी योजना सबका विकास लेकर आए गए हैं, जिसमें पंचायत ग्राम डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड है, जिसमें फंड्स दिए जाते हैं जो ऐसी हमारी पंचायत जो कि अभी गरीब है, भाई जिनके पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट की कमी है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट फंड्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज बनाया गया है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट फंक्शनरीज की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। नेशनल पंचायत अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग हमारी पंचायत होती है ना उसको अवार्ड भी मिलते हैं। स्वामित्व स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें जो हमारी राइट्स हैं, ठीक है, विलेज हाउस होल्ड ओनर्स के जो राइट्स हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा, लैंड ओनरशिप के जो राइट्स हैं वो रखे जाएंगे। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हम और कर सकते हैं? तो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग करो, पैसा बहुत ज़रूरी है, अब हम डेवलपमेंट करना है तो हमें पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे आएगा, उसका सही तरीके से यूज़ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें देखना है। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जो PRI हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है, वीमन के रोल और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, बस सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे PM ने इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसको बताया है, इसको अंडरलाइन किया गया है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस हमारे PM ने बताई है, तो फिर हमें भी तो जानना है ना कि ये क्या है। चलो जानते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है, कि जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है यूनियन और स्टेट्स के बीच में वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है। इसे बताइए, कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है, ठीक है, मतलब क्या कि यूनियन है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो इसमें बताइए कि कोई किसी से ऊपर ऊपर नहीं है, सब लोग मिल बांटकर काम करो, ठीक है, मिल बांटकर काम करना चाहिए। मैं एक दूसरे से अलग थलग रहकर हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, इसी को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जा रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको जो है इनकॉर्पोरेट किया था, जिससे कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन बना रहे। अब ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों ज़रूरी है? सपोज करो सरकार जो है, केंद्र सरकार ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, कोई लॉ बनाया, अब वो लॉ हमारे स्टेट ने लगाया ही नहीं, तो वो लॉ क्या
इतना एफिशिएंट रहेगा? नहीं। अगर स्टेट्स कह रही हैं कि भाई सरकार ने लॉ बनाया है, बड़ी सरकार है, केंद्र सरकार ने लॉ बनाया, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हर स्टेट में वो इम्प्लीमेंट होगा तभी तो वो लॉ काम का रहेगा ना, इसलिए कॉपरेशन ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हैं जिसमें हमें कॉपरेशन की ज़रूरत रहती है। नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है जहाँ पर कॉपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट होता है, सारी स्टेट्स मिलकर बातचीत करती हैं और मीटिंग होती है, यूनियन भी वहाँ पर बैठता है और इस तरीके से कॉपरेटिव फेडरलिज्म हमारा चलता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से कॉपरेटिव फेडरलिज्म फैलता है, बढ़ता है, प्रमोट होता है। तो 7th शेड्यूल है जिसमें बताया गया है कि सेंटर की कौन सी पावर है, स्टेट की कौन सी पावर है, कंकरेंट लिस्ट भी दे रखी है जिसमें दोनों लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपरेटिव फेडरलिज्म छलक रहा है। ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें होता क्या है कि वो स्टेट्स में लोग काम करते हैं जो भी ऑफिसर्स होते हैं, बट जो है इसमें इलेक्ट इनको कौन करता है, इनमें हमारी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है आर्टिकल 312 के अंडर। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो कि सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों को ही देखा जाता है, जिसमें इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है आर्टिकल 263 के अंडर, जिसमें क्या होता है कि स्टेट्स हैं वो मिलकर कॉमन इंटरेस्ट के चीज़ों पर बात करते हैं। फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज है जिसमें बताया गया है कि कोई एक स्टेट में लॉ है तो उसमें क्या है कि वो लॉ जो है दूसरे स्टेट में उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, उस लॉ की सेंट्रल लॉ है उसको हर स्टेट में रिस्पेक्ट मिलेगी। फिर जोनल काउंसिल बनाई गई हैं जो कि क्या करती है, कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करती हैं। फाइनेंस कमीशन बनाई गई है जो देखती है कैसे हमारा जो टैक्सेस वैक्सेस हैं वो कैसे उनका डिवोल्यूशन होगा, प्रोसीड्स कैसे डिवॉल्व होंगी, सेंटर कितना पैसा स्टेट्स को देगा, स्टेट्स आपस में कितना पैसा बांटेंगी। और GST काउंसिल भी बनाई गई है। अब क्या ज़रूरत थी इसकी, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उसको एड्रेस करना है, भाई कोई कहीं पर बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई, कहीं पर बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, तो इसको हमें मिटाना है, इसको इक्वल करना है, ठीक है। फिर पॉलिसीज़ को अच्छे से हम इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए ज़रूरी है कि कॉपरेशन होना चाहिए, रिसोर्सेज को हम शेयर कर सकें, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर फूड बहुत ज़्यादा है तो पानी वाला फूड दे दे, फूड वाला पानी ले ले, है ना। फिर है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है, और जो इमर्जिंग इश्यूज़ हैं उनको हमें मिलकर लड़ना है उनसे और जीतना भी है। चैलेंजेस क्या हैं इसमें, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई है, ठीक है। अब हमने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन समझा था, तो सेंट्रलाइजेशन जो है ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रखा है, ठीक है। जितनी पावर आपके पास में नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठी हो गई है पावर, तो इसको हमें डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं उनको हमें मिटाना है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उन डिस्प्यूट जैसे हम देखते हैं कि हमारा महाराष्ट्र है वो लड़ रहा है बेंगलुरु से, आंध्रा लड़ रहा है तेलंगाना से, इस तरीके से कई सारे हम देखते हैं। अभी तो हमने देखा था नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, तो ये जो डिस्प्यूट है ना ये नहीं होने चाहिए भाई, ये डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े में क्या रखा है भाई, कॉपरेशन से काम करो, तो इसके लिए चाहिए कॉपरेशन होना चाहिए। डाइवर्सिटी है, ठीक है, हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी, कहीं पर पहाड़ मिल रहे हैं तो कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पर पानी मिल रहा है तो कहीं पर सूखा पड़ा, तो इसका मतलब रिसोर्सेज भी ऐसे ही होंगे, कहीं पर पानी है, कहीं पर आइस है, कहीं पर बहुत सारी जड़ी बूटी है, तो कहीं पर कुछ बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कैपेसिटी, कहीं पर विंड बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉपरेशन कर सकते हैं और सबका भला कर सकते हैं। स्टेट मैटर्स में इंटरफेरेंस होता है तो ऑटोनॉमी नहीं रह रही है स्टेट्स के पास में, तो ये जो है मुद्दा निकल कर आता है जिसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो लोकल बॉडीज़ को एम्पावर कर दो, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन कर दो, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अलग अलग जगह की हैं वो अपने एक साथ शेयर करें एक दूसरे के साथ में, सेंट्रल स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, पैरा डिप्लोमेसी को और हम प्रमोट करें और इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग करें। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक जिससे कि ये जो बूस्टअप हो हमारा कॉपरेशन, तो शेयर्स जो हैं स्टेट के सेंट्रल टैक्स रिवेन्यू में वो बढ़ा दिए गए। पहले सेंट्रल टैक्स जो लगते थे उसमें जो प्रोसीड्स आती थी उसका 32% ही स्टेट्स को मिलता था, अब वो 42% मिलता है, ठीक है। स्टेट्स के पास में फ्रीडम है कि वो अपना एक्सपेंडिचर को खुद से प्लान करेंगे कि वो कितना खर्चा कहाँ पर करना चाहते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को हमने रिस्ट्रक्चर किया है, फाइनेंशियल सेक्टर बेल आउट प्रोग्राम भी लेकर आए हैं अंडर उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। स्टेट वाइज हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी निकालते हैं। GST लेकर नीति आयोग ने भी कई सारे स्टेप्स लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो अभी हम बात कर रहे थे वही है क्या, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। कई सारे स्टेट्स जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़े में रह रही हैं, क्यों, क्योंकि उनके बॉर्डर के लिए लड़ाई हो रही है। कोई कह रहा है कि ये इतनी जगह हमारी है और कोई कह रहा है ये हमारी है, इसी वजह से लड़ाई चल रही है। अच्छा, अभी चर्चा में क्या है, चर्चा में ये है कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश ने क्या क्या MOU साइन किया है। खुशी की बात है,
खुशी की बात क्यों है? अब आप बोलेंगे मैम अरे क्या हो गया आपको, खुशी की बात क्यों है? यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट की बात हो रही है और आप कह रहे हैं खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात इसलिए है क्योंकि डिस्प्यूट हो नहीं रहा है, डिस्प्यूट खत्म हो रहा है। भैया आसाम और अरुणाचल प्रदेश ने एक MOU साइन किया है, इन्होंने कहा भैया बहुत लड़ दिए, कई दशकों से हम लड़ते चले आ रहे हैं, अब लड़ाई ख़त्म करो यार। तो अब उन्होंने क्या किया, लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एक MOU साइन किया है। जो उनका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, अब उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे बन गए हैं। अच्छा डिस्प्यूट जो है इसमें 123 विलेजेस को लेकर डिस्प्यूट था, 12 डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश और 12 डिस्ट्रिक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश के और 8 हैं आसाम के। इनके टोटल 123 विलेजेस हैं जिसके लिए लड़ाई चल रही थी कि नहीं नहीं ये विलेज हमारा है, नहीं नहीं ये एरिया हमारा है, इस वजह से लड़ाई हो रही थी। अब MOU में क्या है, इन्होंने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने कहा है कि अब नया क्लेम नहीं करेंगे, जो एरिया जिसके अंडर आ रहा है वो अपने एरिया में रखे उसको, ठीक है। जो डिस्प्यूट्स हैं 34 विलेजेस के वो अब रिजॉल्व हो गए हैं, 37 विलेजेस के जो डिस्प्यूट्स हैं वो पहले ही 2022 में जो नामसाई डिक्लेरेशन था उसके अंडर ये रिजॉल्व हो गए थे। 71 विलेजेस की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग अभी ये हुई है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो एक गांव देगा आसाम को और 60 विलेजेस जो हैं वो आसाम से मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश को, 10 विलेजेस जो हैं वो आसाम के पास रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डिस्प्यूट को हमें रिजॉल्व करना है, ये 12 रीजनल कमिटीज़ बनी थी 2022 में और उसके बाद में ये अब जो है डिस्प्यूट ख़त्म हो पाया है। तो 2022 से कोशिश चल रही थी, 23 में आकर अभी कोशिश हमारी सफल हुई और अब ये डिस्प्यूट ख़त्म हुआ है। यहाँ पर कुछ जो सजेशंस हैं इन कमिटीज़ ने, 22 कमिटीज़ जो बनी थी, 12 रीजनल कमिटीज़ बनी थी जिन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे उनको दोनों स्टेट्स ने माना था। अब बॉर्डर डिस्प्यूट्स की हम बात देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर कौन कौन सी स्टेट जो हैं वो अभी लड़ाई झगड़े में लगी पड़ी हैं अपने बॉर्डर को लेकर। अच्छा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जो है वो सारशू लाइन जो जगह है उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, उनकी डिस्प्यूट चल रहा है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश में परवानो जो जगह है उसके लिए यहाँ पर डिस्प्यूट चलता है। गुजरात राजस्थान मानगढ़ हिल को लेकर डिस्प्यूट में रहते हैं। हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ को लेकर डिस्प्यूट में हमेशा बने रहते हैं। उड़ीसा वेस्ट बंगाल जो है उसके मेनलैंड जो बाउंड्रीज हैं और कनिका सैंड्स आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल है इसके लिए इनके बीच में डिस्प्यूट रहता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है उसको लेकर चर्चा में रहते हैं कि इनके बीच में डिस्प्यूट है। कर्नाटक और केरला जो है ये कासरगोड जो एक जगह है उसके लेकर डिस्प्यूट में बने रहते हैं। अब ये जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, हम देख रहे हैं कितने सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, राइट। मैप में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 90% इंडिया में डिस्प्यूट ही देखने को मिल रहे हैं बॉर्डर को लेकर। तो यहाँ पर कॉजेज क्या रहती हैं, क्यों ये हो जाता है डिस्प्यूट, कॉलोनियल लीगेसी है। ब्रिटिशर्स जो हैं वो इजी गवर्नेंस करना चाहते थे, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन उन्होंने कर दिया। कोई भी कल्चर कोई भी लैंग्वेज के बेसिस पे उन्होंने यूनिफाई नहीं किया, उनको अपना फ़ायदा वो देख रहे थे किस तरीके से हम इजीली एडमिनिस्टर कर पाएंगे, इसलिए वो जोड़ते चले गए स्टेट्स को। इस वजह से क्या हुआ है कि लोग जो है अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे अपने कल्चर के बेसिस पे जुड़े हुए हैं ही नहीं, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है। कोई मराठी स्पीकिंग पीपल है, ठीक है, अब वो कोई हिंदी स्पीकिंग पीपल के पास में रह रहा है तो उसको ये बनती ही नहीं है क्योंकि लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। तो वो कह रहे कि मैं तो मराठी बोलता हूँ और मैं उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जो मराठी बोल रहे हैं। अब हिंदी स्पीकिंग पीपल है वो किसी आपके तेलुगु स्पीकिंग के पास रह रहे हैं तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है, उनके कल्चर अलग है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इससे अच्छा कोई हिंदी वाला हो तो मैं उसके साथ रह लेता तो मेरे कल्चर अच्छे होते, मेरी फ्रेंडशिप अच्छी होती क्योंकि वो हमारे कल्चर मैच करते हैं, हमारी लैंग्वेज मैच करती है तो हमारी फ्रेंडशिप अच्छी हो, रिलेशन अच्छे होते। तो इस तरीके से लड़ाई चलती रहती है। जोग्राफिकल फीचर्स भी अलग हैं, कहीं पर जो है फॉरेस्ट है, कहीं पर हिल है, कहीं पर रिवर बहती जा रही है, तो इस वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। अब मान लो कहीं पर रिवर जा रही है तो रिवर ने अपना, अब रिवर ये ऐसे जा रही थी लेकिन पानी फिक्स तो है नहीं, अब ये रिवर का मन हुआ थोड़ा ऐसे आ गई, ऐसे बहने लगी, तो अब ये एरिया, अब इतना एरिया जो है ये एरिया इस स्टेट के अंदर आ गया, वगैरह ये एरिया हमारा है और ये वाली स्टेट कह रही है नहीं नहीं ये एरिया तो हमारा है, इस वजह से लड़ाई हो गई। तो ये भी होता है। अच्छा फिर बॉर्डर अगर डिस्प्यूट हो भी जा रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसका कोई ठोस तरीका हमारे पास में है नहीं, ठीक है। मीटिंग्स इंटर स्टेट काउंसिल की जो है वो कभी कभी हो जाती हैं, रेगुलरली होती नहीं है। पिछले 16 साल में अगर हम देखें तो सिर्फ 2 मीटिंग हुई हैं, तो समझ रहे हो, तो फिर कहाँ से कॉपरेशन आएगा भाई। बना दिए बॉडी तो बॉडी बनाने से काम थोड़ा ना चलेगा, उसे मिलो तो जाकर, बातचीत करो तो जाकर, जिसके लिए बनाई थी वो काम करो भी तो, राइट। ये ज़रूरत है हमारे लिए। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अगर ये डिस्प्यूट होते हैं, चलो तो क्या इफेक्ट हैं। सबसे पहले बात, ग्रोथ नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं
नहीं होती है डिस्प्यूटेड रीजन में। अब लोग कह रहे हैं कि ये रीजन जो है अब ये वाली स्टेट कह रही है ये हमारा है, ये वाली स्टेट कह रही है हमारा है, तो यहाँ पर अभी इन लोगों को पता नहीं चल रहा है हम किसके अंडर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये स्टेट काम कर रही है ना स्टेट काम कर रही है, तो इस वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सोशल हार्मनी के लिए थ्रेट रहता है, ह्यूमन सफरिंग है, भाई वहाँ के लोग ही तो सफ़र कर रहे हैं, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। फिर रिलेशनशिप जो है स्टेट्स के बीच में, अब दो लोगों के बीच लड़ाई होगी तो इनके बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली बात है। और फिर ये लोग एक दूसरे से अलग भी होना चाहते हैं। ये जो कमीशन्स है वो नॉन बाइंडिंग नेचर की है, इसकी वजह से इनके जो भी सजेशंस होते हैं वो लोग मानते ही नहीं, स्टेट्स मानती ही नहीं, तो फिर ये कमीशन जो है ये इफेक्टिव नहीं रहती। पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और पॉलिटिकल विल भी नहीं होती कभी कभी, जो है जो लोग हैं वो कोशिश ही नहीं करते कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए, इस वजह से भी कन्फ्लिक्ट चलते ही जाते हैं। फिर अब हमें करना क्या भैया, अब इतना सब कुछ देख लिया लेकिन करना तो हमें ही है ना, वक्त को तो हम ही बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे? तो हम गिव एंड टेक अप्रोच ले सकते हैं कि भाई जो चीज़ तुम्हारी हो तुम ले लो, हमारी चीज़ हमें दे दो, बात खत्म हो जानी है। नेक्स्ट है कोर इशूज़ क्या है तो समझो कि लड़ाई आखिर चल क्यों रही है, मुद्दा क्या है ये तो समझो। फिर अवेयरनेस जो है वो हमें फैलाने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इन्वॉल्व करो, जो लोग हैं जिनका डिसीजन लिया जा रहा है उनको भी इन्वॉल्व कर लो कि भाई आप क्या चाहते हैं, ठीक है। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए और जो लोगों का भला है, लोगों की भलाई, उस पर हमें सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। कैसे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कुछ मेथड्स हैं। हाँ, जुडिशियल रिट्रेशल, भैया हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल बनी हुई है, अगर कोई इफेक्टिवली काम करे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो मिलती ही नहीं है, 16 साल में 2 बार मिली है। जोनल काउंसिल बनाई तो है बट मीटिंग ज़्यादा अच्छे से हो नहीं रही है, तो ये हमारे पास में सारे मैकेनिज्म तो हैं, बस हम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है, वो बने हुए, बस उनको इंप्लीमेंट कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आधार। आधार सबके पास में है, आधार तो अच्छा, आधार है तो बताओ ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि मीति ने क्या किया है, कुछ रूल्स प्रपोज किए हैं जिससे कि आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है कुछ ऐसी एंटिटीज़ के द्वारा जो कि हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज नहीं है या फिर डिपार्टमेंट्स नहीं हैं। मतलब हमारे अभी तक हमें अगर अपने आधार को ऑथेंटिकेट कराना होता है तो हम सरकारी मिनिस्ट्रीज से ही करवा पाते हैं, लेकिन अब मीति ने कहा कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज नहीं है लेकिन कुछ और एजेंसीज भी ऐसी हैं जो अब क्या कर पाएंगी, आधार को ऑथेंटिकेट कर पाएंगी। 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया था आधार एक्ट में, जिसमें कहा गया था कुछ एंटिटीज़ हैं जो कि आधार ऑथेंटिकेशन कर पाएंगी, ये जो कि हमारी UIDAI है, जो उसके अप्रूवल के साथ वो, अगर UIDAI जो है हमारी बॉडी, अगर ये कह देती है कुछ एजेंसी को ये एलिजिबल बना देती है तो वो एलिजिबल हो जाएंगे और आधार एक्ट के अंडर अब वो एलिजिबल होंगे कि वो जो आधार का ऑथेंटिकेशन है वो कर पाएंगे। अभी कौन करता है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ही हैं जो कि आधार को ऑथेंटिकेट कर पाते हैं। इसमें जैसे इंटरेस्ट ऑफ गुड गवर्नेंस होना चाहिए, लीकेज ना हो पब्लिक फंड का, इनोवेशन और नॉलेज का स्प्रेड हो, इसको ध्यान में रखा जाता है। एंटिटी जैसे कि बैंक्स हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनको अलाउ किया गया है कि वो क्या कर सकती हैं, आधार को ऑथेंटिकेट कर पाएंगी। आप जो है ये कहा गया कोई भी जो एंटिटी है जो कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट नहीं है और वो चाहती है कि आधार को ऑथेंटिकेट करें तो वो अपना प्रपोजल दे सकती है मिनिस्ट्री को एट सेंट्रल और स्टेट लेवल, अगर वो अप्रूवल हो जाता है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगी और आधार को ऑथेंटिकेट कर पाएगी। अब हम देखते हैं कि भाई जो आधार ऑथेंटिकेशन है ये हम करते ही क्यों है, क्यों ज़रूरत है इसकी? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ईज़ ऑफ लिविंग जो है रेजिडेंट्स की वो प्रमोट हो सके, गुड गवर्नेंस हो सके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ हम कर पाएँ, सोशल वेलफेयर बेनिफिट सबको मिल पाएँ और नॉलेज इनोवेशन वो और बढ़ पाए। आधार की बात करें तो 1.3 बिलियन आधार कार्ड्स अभी तक बन चुके हैं, हर महीने 200 करोड़ से ज़्यादा आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशंस हो रहे हैं। 99% जो एडल्ट्स हैं उनके पास में आधार है। 1670 सेंट्रल और स्टेट सोशल वेलफेयर और गुड गवर्नेंस स्कीम्स जो हैं वो आधार के यूज से ही हो पा रही हैं। आधार के अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें तो ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि 12 डिजिट का यूनिक नंबर हर एक आधार कार्ड होल्डर को मिलता है, कोई भी रेजिडेंट जो है उसके पास में इसका मतलब डुप्लीकेट नंबर नहीं हो सकता, रैंडम नंबर जो है वो मिलेगा, तो यहाँ पर कोई भी डिटेल जो है उसको कैप्चर नहीं किया जाता, कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी नंबर नहीं मिलता, वो ऐसी रैंडम नंबर होता है। यहाँ पर क्या है कि डेटा जो है स्टोर हो रहा है सेंट्रली और ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑनलाइन कहीं से भी हो सकती है।
यहाँ पर जो है आधार मैंडेटरी है कई सारी सब्सिडी और बेनिफिट्स को लेने के लिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस और आइडेंटिटी जो है उसके तरीके से भी सर्व करता है, लेकिन सिटीजनशिप का क्या प्रूफ है? नहीं, आधार हमारा सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। हाँ, लेकिन एड्रेस और आइडेंटिटी का प्रूफ हमारा आधार है। इलेक्ट्रॉनिक जो बेनिफिट ट्रांसफ़र्स है वो भी आधार की मदद से हो जाते हैं। लेकिन आधार जो है इतना अच्छा होने के बावजूद, इतना इसका यूज़ हो रहा है उसके बावजूद भी आधार के साथ कई सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि फॉल्टी डेटाबेस। कैग की रिपोर्ट आई 2022 में, जिसमें बताया गया कि UIDAI के द्वारा जो आधार नंबर जनरेट हो रहे हैं उनमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पुअर क्वालिटी के बायोमेट्रिक्स हैं। कंसर्न्स हैं रेजिडेंस स्टेटस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रूफ या डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं चाहिए होता है जिससे ये कन्फर्म हो सके कि एक पर्सन जिसके पास में जो आधार के लिए अप्लाई कर रहा है वो उस जगह पर रहा भी है जिस जगह का वो डॉक्यूमेंट दे रहा है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं रहता। ऑथेंटिकेशन एरर्स होती ही रहती हैं, कई बार हम देखते हैं कि आधार हमारा जो है हमने जो जो डिटेल्स दी थी उसके बाद जब आधार बनकर आया उसमें डिटेल्स ही चेंज हो गई हैं, राइट? तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी आ रही हैं, आधार में कमी निकल के आती है। सिस्टम वल्नरेबिलिटी है, सिस्टम जो है वो अब क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑनलाइन है और ऑनलाइन में हमेशा ही साइबर थ्रेट लगा ही रहता है, डेटा लीक हो सकता है, प्राइवेसी कंसर्न्स भी हमेशा लगे रहते हैं। बाल आधार की बात करें तो बाल आधार जो है वो आधार कार्ड होते हैं जो माइनर चिल्ड्रन जिनकी एज 5 से कम होती है उनके लिए इशू किए जाते हैं, ठीक है? ये जो आधार कार्ड बनते हैं ये पेरेंट्स के बायोमेट्रिक्स पर बनते हैं। और अपडेटिंग बायोमेट्रिक्स जो है अभी स्टेबल नहीं, बायोमेट्रिक्स हमारी स्टेबल नहीं होती है लाइफ स्पैन तक, इसलिए इनको बार बार अपडेट कराना भी पड़ता है। अब आधार सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे कि रोड मैप बनाया गया है आधार 2.0 के लिए, ठीक है, जो कि रेजिडेंट सेंट्रिसिटी पर फोकस करता है, आधार के यूज़ को और बढ़ाना चाहता है, लोगों का जो ट्रस्ट है टेक्नोलॉजी पर उसको और इम्प्रूव करना चाहता है, इंटरनेशनल आउटरीच को और बढ़ाना चाहता है। बायोमेट्रिक्स बेस्ड डी डुप्लीकेशन ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फेशियल इमेज को हम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसमें जो बायोमेट्रिक्स ली जाती थी उसमें अब क्या हो रहा है, फेशियल इमेज भी ली जाने लगी है। बायोमेट्रिक फ्रॉड डिटेक्शन एक जो है ये लेकर हम आए हैं, जिसमें जो है अगर कोई फ्रॉड होता है उसको यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा तुरंत ही। इंस्पेक्शन ऑफ ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर्स जो ये काम कर रहे हैं, जो भी आधार कार्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनका इंस्पेक्शन होता रहेगा, क्वालिटी चेक हर टाइम होती रहेगी, जब भी कोई नया एडल्ट इनरोलमेंट होगा उसकी क्वालिटी चेक होगी, अपडेट किया जाता रहेगा डॉक्यूमेंट्स को बार बार, GPS फेंसिंग भी की जा रही है। अब हम बात करें UIDAI की, तो ये क्या है? इसका हेडक्वार्टर पहली बात तो दिल्ली में है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आधार एक्ट 2016 से बनी है, मीति के अंडर आती है, ठीक है। पहले नीति आयोग के साथ काम करता था, अब ये मीति के अंदर आता है। 8 रीजनल इसके ऑफिसेस हैं। काम क्या है? काम यही है कि जो यूनिक हमें नंबर मिलते हैं आधार के वो यही क्रिएट करता है। रोड अहेड की बात करें तो जो रेजिडेंस स्टेटस है उसको ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत है, एक ग्रीवांस सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर अपना रिड्रेसल पा सके, और डिजिटल प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आधार एक्ट जो आया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखते हैं, तो यहाँ पर आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट सर्विसेज एक्ट 2016 है जो है, जिसको हम आधार एक्ट बोलते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट के बिफोर चैलेंज किया गया था। कहा गया था कि यह मनी बिल के तरीके से पास हुआ है, इसीलिए इसने राज्यसभा जो है उसको अवॉइड किया है। 2018 का जजमेंट हुआ तब टॉप कोर्ट ने कहा कि आधार एक्ट बिल्कुल वैलिड है क्योंकि ये एक्ट जो है कम्प्लीटली पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। ऑल्दो ये मनी बिल की तरह पास हुआ है बट ये पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है, इसने कोई फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं किया है और ये मैंडेटरी है सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। कभी अपने घर के अपने जो पेपर्स हैं रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पेपर्स हैं अभी उठाकर देखें कितने पुराने हो चुके हैं, राइट? तो उस टाइम के जो पेपर्स थे वो कैसे होते थे, कितने पुराने होते थे और उन पर किस तरीके से प्रिंट होता था, वो सब आप देख सकते हैं। अब पेपर्स जो हैं अगर हम बहुत अगर 20-30-40 हज़ार 20
हम बोलना चाहें तो 40 साल पुराना अगर कोई पेपर है तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा ना, वो उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। तो अब क्या किया जा रहा है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। भाई दुनिया बदल रही, ज़माना मॉडर्न हो गया है, तो फिर हमारे लैंड रिकॉर्ड्स क्यों नहीं, उनको भी मॉडर्न करा जा रहा है। अच्छा, ये चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि 28 स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं उन्होंने क्या किया है, अडॉप्ट कर लिया है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लैंड रिकॉर्ड्स के लिए जो था। और 26 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम भू आधार बोलते हैं, उसको भी अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम आखिर क्या होता है। इसके एप्लीकेशन देखें तो ये जो है कॉमन जेनरिक कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन है जो कि डेवलप किया गया है कि डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए डेवलप किया गया है। जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर, उसने इसको इनिशिएट किया है। स्टेट स्पेसिफिक है, ये स्टेट्स को फैसिलिटेट करता है कि वो स्टेट स्पेसिफिक इंस्टांसिस को क्रिएट कर सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर बना सकते हैं। सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, सिटीजन्स जो हैं ज़मीन को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वन नेशन वन सॉफ्टवेयर का आइडिया रखा गया है, सिटीजन को एम्पावर किया जा रहा है क्योंकि वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ऑनलाइन कर पाएंगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को सबमिट कर पाएंगे। सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब अवेलेबल हो जाएंगे। फीचर्स अगर हम देखना चाहें तो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को ये लिंक करता है, लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एंट्री की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, एसएमएस फैसिलिटी है यहाँ पर जो कि सिटीजन्स को डिपार्टमेंट्स को अलर्ट मैसेजेस भेज सकता है, और ईकेवाईसी भी यहाँ पर हो पाएगी। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर भू आधार क्या है? तो ये क्या है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है उसका ही एक पार्ट है जिसमें 14 डिजिट का नंबर दिया जाता है। तो ये 14 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। अच्छा बताओ, आधार का नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आधार के जो डिजिट्स होते हैं वो 12 हैं और जो अल्पिन है इसमें 14 डिजिट्स हैं। इसको किसने डेवलप किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है? तो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बेसिस पर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ तो जरा। अच्छा, सिग्निफिकेंस ये है कि जो सिटीजन्स हैं उनको सिंगल विंडो सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, इजी शेयरिंग होती है लैंड रिकॉर्ड्स की, और हम जो गवर्नमेंट के लैंड हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर रहेगी। अच्छा, लैंड रिकॉर्ड को हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इसके लिए कई करोड़ रुपए भी खर्च हो रहे हैं, पर इसकी ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत ये है कि हम कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो प्रिजेंटिव टाइटल्स होते हैं उसकी जगह पर कंक्लूसिव टाइटल्स प्रोवाइड करना चाहते हैं। अभी जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी की वो प्रिज्यूम हम करते हैं कि अच्छा ये पर्सन जो है, अच्छा दादा हैं, दादाजी के बेटा हैं, उनकी ये ज़मीन हो गई उनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ के बाद इनके बेटे की, इनके डेथ के बाद इनके बेटे की, इस तरीके से ये जो टाइटल है वो चलता रहता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंक्लूसिव करना चाहते हैं। लैंड डिस्प्यूट्स बहुत सारे होते रहते हैं, अगर हम बात करना चाहें तो 66% जो सिविल सूट्स हैं ना वो लैंड और प्रॉपर्टी के ही रिलेटेड हैं। तो हम ये जो केसेस हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो। स्टैंडर्डाइजेशन कर पाएंगे लैंड रिकॉर्ड्स का, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, स्टेट टू स्टेट ये वेरी कर रहे हैं, तो ये वेरी नहीं करेंगे, एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, तो पूरी इंडिया में जो भी लैंड रिकॉर्ड्स क्रिएट होंगे वो एक जैसे ही होंगे। प्रेजेंट सिस्टम में कई सारी डिफ़िकल्टीज, जैसे कि बहुत ही कंबर्सम है, टाइम लगता है बहुत, ठीक है, ओपेक रहता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैनिपुलेशंस इसमें हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब भी ख़त्म हो जाएंगी। और एडवांटेज ये हैं कि टाइम कम लगेगा, प्रोसेस भी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक अपडेशन हो जाएगा जब नई रजिस्ट्रेशन होगा, तो सिंगल विंडो डिलीवरी हो जाएगी जो सिटीजन उनको मिल जाएंगे सर्विसेज, और ई लिंकेजेस हो जाएगा क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए। 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कंक्लूसिव लैंड टाइटल्स के, कि सिंगल एजेंसी जो है वो ही लैंड रिकॉर्ड्स को हैंडल करेगी। मिरर प्रिंसिपल है जिसमें कहा गया कि एक गिवन मोमेंट में जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो मिरर करता है ग्राउंड रियलिटी को। कर्टेन प्रिंसिपल है जो कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ टाइटल जो है वो ट्रू डिपिक्शन ओनरशिप का, ठीक है, जो टाइटल का रिकॉर्ड है वो बताता है कि ये लैंड किसकी है। इंश्योरेंस टाइटल जो है, टाइटल इंश्योरेंस क्या है कि गारंटी है कि करेक्टनेस होगा, ये जो टाइटल है वो बिल्कुल करेक्ट है।
कंपोनेंट्स क्या हैं DIL RMP के, तो कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा लैंड रिकॉर्ड्स का, सर्वे और रिसर्वे हम करते रहेंगे, लैंड रिकॉर्ड्स को हम बार बार अपडेट करते रहेंगे, रजिस्ट्रेशन का कंप्यूटराइजेशन होगा, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम्स बनाए जाएंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। दूसरे एफर्ट्स क्या क्या किए गए हैं लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, इसके लिए हम लेकर आए हैं डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 2016 की ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें 100% पैसा गवर्नमेंट हमारी खर्च कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक रिवैम्प्ड वर्जन है जो नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम था 2008 का, उसका ही, ठीक है। इसमें कोशिश की जा रही है कि जो लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन हम कर सकें। स्वामित्व स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है, 2021 में आई थी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम पंचायती राज को पढ़ रहे थे तब भी हमने बात की थी। इसमें जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है ब्लेज हाउस होल्ड ओनर्स के, उनको हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लैंड की सर्वे करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर भूमि कावेरी प्रोग्राम है कर्नाटका का, मी सेवा है आंध्र प्रदेश की, धरा ऐप है राजस्थान की, और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो है ब्लॉकचेन का यूज़ करके भी किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेम कभी ना कभी हम सब ने खेला है, राइट, और अभी भी खेलते हैं, तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, इसलिए चर्चा में है। क्या है न्यूज़, तो हमारी जो नीति है उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स जो है, जिसको हम IT रूल्स कहते हैं, इसको अमेंड कर दिया है। और बात करें तो एम ये है कि हमने ये अमेंडमेंट क्यों की है, इसलिए की है जिससे कि हम ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स जो हैं उनको क्या करें, उनको थोड़ा कंट्रोल करें। जो फेक और फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए, उसको हम रोक सकें। जो रूल्स और अमेंडमेंट्स हैं उसमें क्या किया गया, किसके अंडर हम लेकर आए हैं, तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसी में ये अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं। और इसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को भी हमें रेगुलेट करना है। पहले सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को रेगुलेट कर रहे थे, अब ऑनलाइन गेमिंग को भी हम रेगुलेट करेंगे। की फीचर्स क्या होते हैं ऑनलाइन गेमिंग के रूल्स के, तो ऑनलाइन गेम्स को क्लियरली डिफाइन किया कि कौन सा गेम ऐसा है जो ऑनलाइन है। इसमें क्या है कि जो इंटरनेट के बाद ही, मतलब इंटरनेट के से ही ऑफ़र होगा, नेट नहीं तो वो गेम नहीं, तो इंटरनेट पर वो ऑफ़र हो रहा है, कोई यूज़र जो उसको एसेस कर पा रहा है कंप्यूटर से या फिर मोबाइल फ़ोन से उसको जो है चला पा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी क्या है, वो इंटरमीडियरी हैं जो कि कंप्यूटर उस रिसोर्स के जो यूज़र हैं उनको कह रहे कि आप गेम चला सकते हैं। मतलब जैसे आप फ़ोन है तो फ़ोन में आपको नेट मिल गया, नेट और फ़ोन दोनों चीज़ें आपके पास में, आप उस गेम को एक्सेस कर पा रहे हैं किसी भी जैसे स्टोर से आपने उसको डाउनलोड कर, जैसे प्ले स्टोर से आपने उसको डाउनलोड कर लिया, नेट है फ़ोन है चला रहे हो गेम, तो वो आपका ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी समझ में आ गया। इंटरमीडियरीज़ के रोल क्या है कि रीज़नेबल एफर्ट हमें करना है कि वो होस्ट ना करे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन को भी, ऐसा ऑनलाइन गेम पब्लिश ना करे, शेयर ना करे, जिसकी वजह से यूज़र को हार्म हो, उसको कोई नुकसान हो। ऐसा रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये रूल्स लेकर आए हैं, और सिर्फ परमिसेबल ऑनलाइन गेम ही अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है। कोई भी एडवर्टीजमेंट या सरोगेट एडवर्टीजमेंट नहीं की जाएगी, ऐसा ऑनलाइन गेम प्रमोट नहीं किया जाएगा जो कि परमिसेबल ऑनलाइन गेम ना हो। एडिशनल ऑब्लिगेशंस क्या हैं कि ऑनलाइन गेम्स जो हैं जिसमें रियल मनी अगर इन्वॉल्व है तो उसमें और भी ऑब्लिगेशन हैं, जैसे कि मार्क और वेरीफिकेशन जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा कि हाँ ये वेरीफाई हो चुका है गेम। यूज़र्स को जो पॉलिसी है कि किस तरीके से डिपॉजिट रिफंड होगा विड्रॉल होगा वो इन्फॉर्म करना है। KYC डिटेल्स जो है यूज़र्स की उनको ऑब्टेन करना है। कोई भी क्रेडिट या फिर फाइनेंसिंग थर्ड पार्टी से यहाँ पर अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। मल्टीपल SRVs, तो मीति जो है उसने कहा है कि जो वेरीफाई करना है ऑनलाइन गेम को, तो वो एक SRV जो है जो इसको वेरीफाई करेगी कि हाँ ये ऑनलाइन गेम जो परमिसेबल है या नहीं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्या कंपनी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर दी सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। फिर रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की जो कि प्रमोट करती हो ऑनलाइन गेम्स को रेस्पॉन्सिबल मैनर में, और ग्रीवांस रिड्रेसल से रिलेटेड प्रोविजंस भी इसमें होने चाहिए। अथॉरिटी क्या है जो आपके SRV हैं, तो यहाँ पर कोई भी गेम को ये कैटेगराइज करे कि परमिसेबल गेम है अगर वो गेम जो है उसमें कोई वेजरिंग नहीं है, ठीक है। जो आपका गेम है वो सारे रूल्स और जो रिक्वायरमेंट हैं जो कि आपके
बताए गए हैं, सरकार ने बताया कि ये रूल्स रेगुलर रिक्वायरमेंट हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए, तो वो फुलफ़िल होने चाहिए उस गेम में, ये चीज़ वो इंश्योर करेंगे। और फ्रेमवर्क जो बनाया है SRV के द्वारा, वो OGI को, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को फॉलो करना होगा। प्रोहिबिशन, ऐसा ऑनलाइन गेम जिसमें कोई भी किसी तरीके की गैम्बलिंग हो रही है तो वो गेम जो है वो प्रोहिबिटेड है। अब ये रूल्स जो है इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिकॉग्निशन, ऑनलाइन गेमिंग को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंटरमीडिएट्स को, और गैम्बलिंग ना हो ऐसा, गैम्बलिंग से रोका जा रहा है, ग्रोथ हो सके इंडस्ट्री की सेफ मैनर में, इलीगल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर रोका जा रहा है। कई बार गेम जो है, कुछ ऐसे गेम्स आ चुके हैं आजकल जिनमें क्या हो रहा है, गैम्बलिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है, और कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, तो उनको रोकने के लिए ही ये रूल्स आए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर की जो भी कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने के लिए ये रूल्स हैं, और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। कंसर्न्स क्या है, गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस। एक गेम ऐसा होता है जिसमें स्किल की ज़रूरत होती है, और अगर स्किल अप्लाई करते हैं उस स्किल से आप कुछ भी, आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन चांस, अगर चांस से कुछ गेम है, आप बाय चांस आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं है, या फिर कोई भी आपको बेनिफिट मिल रहा है वो चीज़ ठीक नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ऑब्स्टेकल है, इसलिए कंसर्न है। फिर SRV डिस्क्रिप्शन, ये सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है कि ऑनलाइन गेम जो है वो वेजरिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है, ये आपको देखना होगा। वेजरिंग का मतलब है कि कोई चांस का एलिमेंट तो इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। स्टेट लॉज अलग अलग है, और इस वजह से कहीं पर जो है आपका गैम्बलिंग और बैटिंग जो स्टेट सब्जेक्ट है, इस वजह से स्टेट्स अपने अलग अलग रूल्स यहाँ पर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स पे। तो न्यूज़ इन शॉर्ट्स में पहली न्यूज़ है रूरल अर्बन एरियाज़ को लेकर, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है PM को लेकर, उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो रूरल अर्बन एरियाज़ हैं उनकी डेफिनेशन को अब बदल देना चाहिए। जो EAC PM मेंबर हैं, इन्होंने एक वर्किंग पेपर जो है वो लॉन्च किया जिसका टाइटल था व्हाट इज़ अर्बन रूरल इंडिया। इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, उसको नई अप्रोच लानी होगी जिससे वो रूरल अर्बन एरियाज़ को डिफाइन करे। अच्छा, वो तो हमें बदलने की ज़रूरत है, बट अभी क्या डेफिनेशन है, अभी की डेफिनेशन की बात करें तो 2017 तक की अगर हम बात करते हैं, कोई भी सेटलमेंट जो है उसको हम अर्बन नहीं कहेंगे। कोई ऐसा सेटलमेंट जो अर्बन नहीं है तो उसको हम रूरल कह देंगे, ये डेफिनेशन है। दो तरीके की अर्बन सेटलमेंट होती हैं, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिवली अर्बन सेटलमेंट्स, वो जिनको अर्बन लोकल बॉडी गवर्न कर रही है। दूसरा, सेंसस अर्बन सेटलमेंट्स, वो जगह जहाँ पर पॉपुलेशन 5,000 से ज़्यादा है, 75% मेल जो है वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क में काम करते हैं, और डेंसिटी क्या है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 400 लोग रहते हैं, तो वो अर्बन सेंटर होगा। प्रॉब्लम्स क्या हैं, अभी जो हम सेटलमेंट को लेवल करते हैं उससे क्या प्रॉब्लम है, तो करंट क्लासिफिकेशन वो इनएडिक्वेट है भाई, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, स्पीड बदल रही है, रफ्तार, किस रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो इस वजह से जो हमारा क्राइटेरिया है वो ढंग का नहीं है, वो उसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। पंचायत जो हैं वो डिफैक्टो अर्बन एरियाज़ हैं, जो कि इलिक्विप्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज में, स्लो ट्रांजिशन हो रहा है रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव पंचायत से अर्बन लोकल बॉडी से, इसमें इनकरेक्ट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी अप्लाई हो रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स जो हैं लोकल पब्लिक गुड्स की वो नहीं मिल पा रही हैं। सॉल्यूशंस क्या क्या दिए हैं इन्होंने, इन्होंने कहा ट्रिगर मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहिए जिसमें क्या ट्रांजिशन जो है रूरल से अर्बन सेटलमेंट में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, एक लिमिट तक पहुँचे उसके बाद में जो है अर्बन से लोकल जो रूरल एरिया है वहाँ से आप अर्बन में पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिर मिनिस्ट्री जो है उनको सेंसस का यूज़ करना चाहिए, सेंसस का यूज़ करते हुए वो क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि कोई एरिया अर्बन है कि रूरल है। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमने ये देखा ही है, ये हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 73 एंड 74 जो अमेंडमेंट हुए थे उसमें ये चीज़ हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट, नेशनल पार्टी स्टेटस, अभी इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का यूज़ करते हुए क्या है कि हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करती है किसी पार्टी को कि वो पार्टी नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। तो अभी क्या है, 6 नेशनल पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया है हमारी EC के द्वारा। क्या कौन कौन सी 6 नेशनल पार्टीज़ हैं हमारी इंडिया में, BJP है, ठीक है, फिर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, फिर नेशनल पीपल्स पार्टी या आम आदमी पार्टी जो है, ये हमारी 6 नेशनल पार्टीज़ है। तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी और CPI जो है ये पहले नेशनल पार्टी स्टेटस इनके पास में था, अब इनके पास में नहीं है। ECI जो है इन्होंने पार्टीज़ परफॉर्मेंस को रिव्यू किया 2014 और 19 के लोकसभा पोल्स का और 21 स्टेट असेंबली पोल्स का, और उसके बाद में ये स्टेटस जो है प्रोवाइड किए गए हैं। अब कोई पार्टी नेशनल पार्टी स्टेटस उसको कैसे मिलता है,
लोकसभा में वोट्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो है एटलीस्ट 6% वोट्स उनको मिलने चाहिए, जितने चार या चार से ज़्यादा स्टेट्स में जो हैं लोकसभा में जब वोट पड़ रहे हैं लोकसभा जो, तो यहाँ पर उनको 6% वोट मिलने चाहिए और लगभग 4 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा में आने चाहिए, ठीक है। फिर सीट्स का 2% टोटल लोकसभा की सीट्स हैं वो उस पार्टी की होनी चाहिए और जो कि 3 स्टेट से कम के नहीं होनी चाहिए कैंडिडेट्स, और एक स्टेट पार्टी होनी चाहिए 4 स्टेट्स में। अब इनको क्या बेनिफिट मिलते हैं कि इनको कई जो एक रिजर्व सिंबल मिलता है जो कि ऑल ओवर द इंडिया उनको वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी उनको सिर्फ एक पार्टी 1% चाहिए होता है जिससे कि वो टू प्रपोज अ कैंडिडेट्स नेम, अपने कैंडिडेट के नेम को प्रपोज करने के लिए उनको क्या चाहिए 1% चाहिए। उनको ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं और 40 स्टार कैंपेनर्स भी वो रख सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नर का जो गवर्नर को बिल्स क्लियर करने का जो टाइम पीरियड मिलता है वो लिमिट उसकी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बिल उनके पास में गया और वो बिल पड़ा है 10-15 साल हो गए वो बिल पर कोई कार्रवाई नहीं, नहीं, एक लिमिटेड टाइम के अंडर गवर्नर को उस बिल पर कुछ ना कुछ जैसे असेंट अपनी या विदहोल्ड करनी है, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, जो भी करना है उस पर वो करके दें या फिर असेंट देने दें, ठीक है। रिजोल्यूशन जो पास हुआ ये जो एक लगभग 40 बिल्स ऐसे हैं जो गवर्नर के असेंट के लिए वहाँ पर बैकडाउन पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसी वजह से ये जो रिजोल्यूशन ये पास किया गया है। एक बिल जब गवर्नर को सेंड किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास में के स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास होने के बाद में, तो जो गवर्नर है वो अपने असेंट दे सकते हैं या फिर असेंट नहीं दे सकते हैं या फिर बिल को रिटर्न कर सकते हैं कि भाई रिकंसिडरेशन करना है आपको, देखना इसमें कोई चीज़ जो है बदलाव करना, बदलाव करके लेकर आओ, ठीक है। और उसके बाद में जब दोबारा वो जब वो बिल बदलाव हो या ना हो दोबारा से अगर वो गवर्नर के पास में जाएगा तो गवर्नर को अपनी असेंट देनी कंपलसरी हो जाएगी। रिजर्व बिल जो है वो बिल को रिजर्व भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर, ठीक है। दूसरे इश्यूज़ क्या हैं गवर्नर को लेकर, स्टेट गवर्नमेंट्स को लेकर अभी कुछ सालों में, तो प्रोविजंस नहीं है कि किस तरीके से गवर्नर और स्टेट जो है पब्लिकली इंगेज करेंगे, जब अगर उनकी ओपिनियन डिफरेंट होती तो उनको कैसे क्या करना है, इस पर कोई भी प्रोविजन नहीं है। नेगेटिव रिमार्क्स अगर पास किए जा रहे हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे तो क्या स्टेप लेने हैं कोई पता नहीं। फिर कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेचुटरी रोल्स में, गवर्नर जो चांसलर की तरह काम करें तो इसमें कन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। फिर डिस्क्रिशनरी पावर जो दी जा रही हैं उसका मिसयूज़ हो रहा है, गवर्नर को रिमूव करना है तो कोई रिटन ग्राउंड नहीं है प्रोसीजर के लिए, ठीक है। क्या क्या रिकमेंडेशंस बताई गई हैं, सरकारी कमीशन ने कहा कि गवर्नर जो है वो स्टेट के बाहर का होना चाहिए और वो रूलिंग पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए। NCRWC जो है उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है वो कमिटी के द्वारा अपॉइंट होना चाहिए जिसको में जिसमें PM, होम मिनिस्टर, स्पीकर, CM होंगे स्टेट के। नाबम रेविया जजमेंट में कहा गया कि जो गवर्नर की डिस्क्रिशन है आर्टिकल 163 को लेकर वो लिमिटेड होनी चाहिए। पंची कमीशन ने कहा कि फिक्स 5 साल का टर्म होना चाहिए गवर्नर का। नेक्स्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अभी क्या हुआ है कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस ने कहा है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के पास है बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 80,545 केसेस ऐसे हैं जो अलग अलग बेंचेस के पास में पेंडिंग पड़े हुए हैं 31 दिसंबर 2022 तक, और पिछले 10 सालों में 1,350 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि कैट प्रोसीजर रूल्स 1987 के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन को 6 महीनों के अंदर उसकी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। अब पेंडिंग क्यों पड़े हैं, क्योंकि सफिशियंट मेंबर्स ही नहीं है, ठीक है। जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसके आधे ही लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद में एडवांस केस इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग ढंग से। फिर रिकमेंडेशन ये है कि जो पेंशन सीनियर सिटीजन से रिलेटेड केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पर उनको डिस्पोज करना चाहिए। वैकेंसीज हैं अगर तो उनको फुलफिल कर लो।
अगर हम बात करें कैट की, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के अंडर इस्टेब्लिश हुई है, आर्टिकल 323A में आती हैं। ये जो डिस्प्यूट्स कंप्लेंट्स जो हैं, रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस, जो ऐसे पर्सन जो कि यूनियन या फिर हमारी सरकार से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन पर्सन के डिस्प्यूट्स यहाँ पर सॉल्व होते हैं और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यहाँ पर माना जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी। कि हम क्या कर रहे हैं कि जुडिशरी में टेक्नोलॉजी को और यूज़ करना चाहते हैं, उसके अडाप्टेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिससे कि एफिशिएंसी, इक्विटी और ईज जो है सुप्रीम कोर्ट की वो बढ़ सके। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए डायरेक्शंस इशू किए हैं हमारे हाई कोर्ट्स के लिए कि जो लोअर कोर्ट रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटलाइज हम कर सकें। ठीक है, यहाँ पर ई कमिटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने SOP भी इशू किया है जिसमें कहा गया है कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको एक डिजिटाइजेशन सेल इस्टेब्लिश करनी है जो कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटल करेंगे। अब क्या ज़रूरत है जुडिशरी में हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक लाइक सिचुएशन फिर से आ गई, अगर सब कुछ लॉकडाउन हो गया तो कैसे हम डील करेंगे। इसके लिए चाहिए कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन कर लेंगे तो हमें टेंशन नहीं है। फिर है स्पीडी जस्टिस डिलीवरी हो पाएगी। पेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा, हमारे जो केसेस हैं पेंडेंट पड़े हुए हैं, तो पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो जो केसेस हैं वो हम जल्दी से जल्दी सुनवाई उनकी कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी और जो रूरल अर्बन गैप है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अगर हम ये जो टेक्नोलॉजी इसको यूज़ करते हैं तो लोगों के पास में इतनी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी को लेकर। इनिशियली जो हम जो सेटअप लगाएंगे, जैसे कंप्यूटर्स लगाना, इंटरनेट लगाना, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, साइबर सिक्योरिटी का खतरा भी बना रहेगा। इसके लिए कई इनिशिएटिव्स दिए गए, ई कोर्ट मिशन, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, फास्टर लेकर हम आए हैं और सुवास लेकर आए हैं। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। अभी जो रिपोर्ट है इसका थर्ड एडिशन अभी आया है, जिसको रिलीज़ किया है टाटा ट्रस्ट ने। ठीक है, कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर टाटा ट्रस्ट ने इसको रिलीज़ कर दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि जो स्टेट की प्रोग्रेस कैसी हुई है जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म में, उसको देखते हुए यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है। इसकी रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग्स हैं, जैसे कि जुडिशरी को लेकर कहा गया कोई भी कोर्ट ऐसा नहीं है जिसमें सारे के सारे जितने भी जज होने चाहिए वो सारे जज हों, सिर्फ हाई कोर्ट है सिक्किम का और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है चंडीगढ़ का, वहीं पर ऐसा है कि जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जजेस की उतने जजेस हैं, बाकी किसी भी कोर्ट में सारे जजेस अवेलेबल नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पर कोई भी स्टेट या UT जो है वो SC ST OBC कोटा को फुलफ़िल नहीं करती है। पुलिस में बात करें, कोई सिंगल स्टेट UT ऐसी नहीं है जो कि रिजर्व कोटा वीमन के लिए है पुलिस के, वो पूरे करती है, और सिर्फ कर्नाटका ऐसी है जिसने SC ST OBC का जो कोटा है वो फुलफ़िल किया है। प्रिजन्स की बात करें तो अंडर ट्रायल जो है वो 60% से भी ज़्यादा हैं 32 स्टेट में, सिर्फ 5% से भी कम इनमेट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। लीगल एड की बात करें तो जो नंबर है लीगल सर्विसेज जो दी जाती हैं, पहले 14,159 था, अब सिर्फ 4,742 बचा है। फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, 33,312 केसेस अभी भी पेंडिंग हैं, 44% वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टोपल, ये क्या है। तो एक जो हमारे अग्निपथ स्कीम हम सब जानते ही हैं, इससे रिलेटेड एक केस हो रहा था, तब जो प्लेंटिफ है, ठीक है, जिसने क्या कहा है, जिसने केस फाइल किया है, उसने कहा कि प्रॉमिसरी एस्टोपल की डॉक्ट्रीन को यहाँ पर मानना चाहिए। अभी डॉक्ट्रीन क्या है, ये जो डॉक्ट्रीन है ये एक कंसेप्ट है जो कि डेवलप हुआ है कंट्रेक्चुअल लॉस के लिए। इसमें बताया गया कि जो प्रॉमिसर है वो अपने एग्रीमेंट से वापस नहीं हो सकता, बैक नहीं हो सकता, उसने जो प्रॉमिस किया है उसको वो निभाना पड़ेगा, और इसी को हम बोलते हैं प्रॉमिसरी एस्टोपल, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जो इसमें क्या कहा जाता है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो पूरी तरीके से माना जाएगा, अगर वो एग्रीमेंट से बैक ऑफ होते हैं तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। तो कैबिनेट ने क्या किया है, सिनेमाटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 को नोट दे दी है, हामी भर दी है, अप्रूवल दे दिया है। इसमें प्रोविजन है कि जो ट्रांसमिशन है पायरेटेड फिल्म कंटेंट का, जो इंटरनेट पर हम देखते हैं ना, कई सारी फिल्म ऐसी हैं जो पायरेटेड है और इंटरनेट पर मिल जाती हैं, तो उसका ट्रांसमिशन यहाँ पर रोका जाएगा। इसमें बताया गया कि जो फिल्म्स हैं उनको अब हम क्या करेंगे, एज ग्रुप के बेसिस पर
क्लासीफाई करेंगे। अभी तक यू ए और यू ए जो है इसकी प्रैक्टिस होती थी, इसको हम इस तरीके से कैटेगराइज करते थे, लेकिन अब जो है एज के बेसिस पर क्या किया जाएगा, फिल्म्स को क्लासीफाई किया जाएगा। ए रहेगा अडल्ट ऑडियंस के लिए, यू ए है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जिनकी एज 12 से ज़्यादा है और वो पेरेंटल गाइडेंस के साथ में बच्चे देख जो वो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ में वो जो भी फिल्म है उसको देख पाएंगे। और एस कैटेगरी है स्पेशल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो हैं उनकी उनके लिए है। फिर है इसमें नई क्लासिफिकेशन में यू ए 7+ लेकर आएंगे, जिसमें 7 से बड़े जो बच्चे हैं 7 साल से बड़े वो देख पाएंगे। यू ए 13+ जो 13 साल से बड़े बच्चे हैं वो देख पाएंगे। यू ए 16+ तो वो जो है जो 16 साल से बड़े बच्चे हैं वो उस कंटेंट को देख पाएंगे। इसी के साथ में हमने पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे हमारे अप्रैल मंथ के वो कवर किए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको तो पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे और आप उनको देख कर खुद को और अपडेट कर पाएँ।